हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आपके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं रेगुलेटर है ये। तो इसमें मैं कुछ कमियाँ बताना चाहता हूँ, इसमें क्या कमियाँ होती हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई खास लंबी कमी नहीं है, छोटी सी एक समस्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें एक रेगुलेटर होता है, ये मॉडुलर रेगुलेटर है ये। तो इसमें आप ये सुन रहे होंगे आवाज़, तो ये आपका हो गया ऑफ, ये जो रेड है ये आपका हो गया ऑफ। और अगर ये एक पे जाएगा, एक दो तीन चार पाँच पे ऑफ हो गया, चार चार स्टेप का ये। इसमें कहा था सात स्टेप का, सेवन स्टेप का। तो फ्रेंड, वो जो उसमें होता है उसमें कंप्लेंट थोड़ी ज़्यादा आती है फोर स्टेप के मुकाबले। तो आप कभी भी अपने जो ग्राहक को, जो बेस्ट जो ग्राहक हो, उनको आप बढ़िया सामान देने की कोशिश करें। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या कमी है। आप कभी भी अपने शॉप पे मंगाए फोर स्टेप का, सेवन स्टेप का कभी मत मंगाएं। मंगाएं थोड़ा बहुत मंगाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें कंप्लेंट थोड़ी आती है। तो वो थोड़ी सस्ती भी पड़ती है इसके फोर स्टेप के मुकाबले में। तो आप कभी भी आप मंगाए फोर स्टेप, ज़्यादातर आप अपने दुकान पर जो सेल करें फोर स्टेप के रेगुलेटर सेल करें, सेवन स्टेप के रेगुलेटर कम सेल करें। कोई अगर ग्राहक आपसे मांगता है सस्ता तो ही आप दें, वैसे आप मत जल्दी दें। और जो फोर स्टेप पे जो रेगुलेटर होता है वो बढ़िया चलता है, क्योंकि जो अंदर का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, और जो उसमें जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है इसमें जो होता है थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब भी मंगाएं तो आप फोर स्टेप का ही मंगाएं, और ज़्यादातर आप फोर स्टेप ही बेचने की कोशिश करें। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मुश्किल से 15 से 20 रुपये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको जो रिप्लेसमेंट होता है वो उसमें ज़्यादा आता है, फोर स्टेप में बहुत ही कम आता है, और सेवन स्टेप में ज़्यादा आता है। और आप कभी भी किसी भी ग्राहक को रेकमेंड करें तो फोर स्टेप का ही करें, सेवन स्टेप का बहुत कम करें। अगर कोई आपसे मांगता है तो आप दे दें सस्ते के तौर पर, नहीं तो मत दें। तो ये छोटी मोटी जानकारी होती है जो हमें पता नहीं होती है, हम मंगाते हैं और इसके कारण ये फिटिंग में ही लगती है आपकी, जो पूरी रेंज आती है उस रेंज में आपका माल जाता है। तो छोटी सी कमी कारण आपकी पूरी रेंज की जो इंप्रेशन होता है वो डाउन होता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी अपने रेंज में दें तो फोर स्टेप का ही दें, सेवन स्टेप का बहुत ही कम दें। अगर आपसे आपसे ग्राहक अगर मांगता है तो ही दें, और अगर अगर सिंगल पीस के लिए आता है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रेंज मांगता है, कि रेंज लगता है एकदम नए फ्लैट में लगता है, नए मकान में लगता है, तो उसमें कमी आ जाएगी 2-4 महीने 6 महीने में, तो वो थोड़ी अपनी जो रेपुटेशन है वो डाउन होने के कगार पर होती है। इसीलिए आप कभी भी दें तो बढ़िया चीज़ है रेंज में, और सिंगल पीस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी मंगाए फर्स्ट स्टेप पर मंगाए, सेवन स्टेप पर कभी मत मंगाए, क्योंकि मैं मंगाकर थोड़ा बहुत मंगाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मैं यही फर्स्ट स्टेप पर मंगाता हूँ। तो ये सब जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।